तो गाइस ये ऊपर इससे कंट्रोल हो रहा है ये, और ये सब में ना सब में लाइटिंग चल रही है भाई सब में। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे खड़े होने में। ओ भाई उठा दिया उठा दिया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग इस ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज काफी टाइम बाद मैं ऐसे भटक रहा था और मेरे दोस्त जो है ये लेके आया था, इसका ट्रैक्टर है और इसमें ट्रैक्टर में औकात से ज्यादा जो है ना गन्ने भर रखे हैं भाई। इतना ओवरलोड क्यों करता है, किसी ने पलट गया तो पलटेगा क्यों, है भी ड्राइवर भाई। तो ये है भाई का ट्रैक्टर और ये हमारी स्कूटी, ट्रैक्टर स्कूटी भी। हम लोग जा रहे हैं चीनी मिल के अंदर, अब देखते हैं चीनी मिल के अंदर रिकॉर्डिंग करने देंगे या नहीं देंगे। और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा चीनी मिल के अंदर जाने का, मैं आज तक चीनी मिल के अंदर नहीं गया हूँ। और आपने भी चीनी मिल अंदर से नहीं देखोगे कि अंदर चीनी मिल कैसी होती, तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई अंदर से चीनी मिल कैसी होती है। वो देखो ये चीनी मिल और धुआं निकल रहा है वहाँ से। चले सोहेब भाई, ट्रालियां खड़ी हैं जिंदा। चले सोहेब भाई, तुम्हारा कितना नंबर है? 313 भाई, भाई का 313 नंबर की ट्राली है। ओ भैया जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ वहाँ तक सब जगह गन्ने गन्ने देखने को मिलेंगे। और ये आगे जा रहा सोहेब भाई। तो फिलहाल अभी हम लोग हो चुके हैं एंटर और यहाँ देखो पैर कैसे हो गए, धूल बहुत है यहाँ पे भाई, ट्राली पलटी जाती है। अरे भयंकर, मैं तो भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ अभी, देखिए ये देखो अभी ना ये ट्राली उठेगी यहाँ पे। और ये क्रेन बेटा गिर ना जाए इसमें। पूरी पलट जाएगी ये, पूरी सब बनाने गन्ना कैसे रहा है यहाँ अंदर पता रह रहा है, गन्ने के साथ कैमरा भी अंदर नहीं, ये तो अब फंस गया। अभी रुक जरूर जैसे तो जान दो पर तो फिलहाल अभी यहाँ पे सारा गन्ना ऊपर जा रहा है भाई, सारा गन्ना। मैं तो देख रहा था, मैं पहली बार मतलब मैं तो किच्चा में रहता हूँ और मैं पहली बार इस चीनी मिल के अंदर आया हूँ। और उधर भी कुछ चल रहा है तो उधर भी देखते हैं कैसा क्या है, उधर कैसे उठता गन्ना। वहाँ ट्रक वाली ट्राली खाली होती है मशीन, तो आगे ट्रक वाली खाली होती है, यहाँ पे सादा वाली होती है। ये देखो गाइस यहाँ पे हो रही है ट्रक वाली, जितनी ट्राली है ऐसे उठती हैं भाई, इसमें ऐसे गन्ना उठाया जा रहा है और ये डलेगा और ये डायरेक्ट पानी कहाँ जाएगा, ऊपर सब में वर्क चल रहा है। गाइस ये ऊपर इससे कंट्रोल हो रहा है ये, और ये सब में ना सब में लाइटिंग चल रही है भाई सब में। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे खड़े होने में। ये देखो ये अभी ऐसे पकड़ेगा और ऐसे निकाल लेगा, ये देखो ये गया 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 गया, निकाल निकाल भैया गन्ने निकाल। ये देखो उसने गन्ने निकाल लिए यार, अभी खींच लेगा। देखो गाइस वो भी खींच रहे, वो वाली भी क्रेन भी गन्ने खींच रही है और वो भी खींच रही है, दो दो क्रेन वाली चल रही है एक साथ। तो ये डायरेक्ट ऐसे चले जाती है, इसे फेंक देता नीचे ले जाती है। हाँ चैन चलती है नीचे, नीचे वहाँ चीनी बनती है। अच्छा मैं जी बनती है यहाँ से, चीनी बनती है। अच्छा यहाँ से चीनी बनती है, तो भाई बताएं आप कहाँ चीनी बनती है? गन्ने का जोश निकाले यहाँ पर, अंदर जाने नहीं देंगे ना, अंदर जाने अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ पर खतरा ज़्यादा। तो फिलहाल गाइस हमें जो वीडियो बनाने दी गई थी वो सिर्फ यहीं तक बनाने की दी गई थी, और इसके अंदर भाई बर्कर भी नहीं जाते हैं। बर्कर भी सिर्फ कितने मीटर रुकता है बर्कर, इसमें केवल 15 मीटर रुकता है इसके अंदर बर्कर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, इसकी वजह से इसके अंदर जो बर्कर है ना वो सिर्फ 15 मीटर रुकता है, उससे ज़्यादा बर्कर नहीं रुकता है। और सोहेब भाई के बता रहा था आज मैं चीनी मिल के अंदर आ गया, मैं तो भाई मुझे पता भी नहीं था कि मैं चीनी मिल के अंदर जाऊँगा, मेरा ऐसे ही मन करा मैंने कि सोहेब भाई चीनी मिल के अंदर चले, बोले चल, मैंने कोई मना तो नहीं करेगा, बोले ना। और इसके अंदर तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, उसके अंदर वीडियो भी अलाउड नहीं है,
और ये जो चीनी मिल ना बहुत ज़्यादा बड़ी, पीछे तक काफ़ी ज़्यादा पीछे तक है। और यहाँ पे जो मैंने काम दिखाया ना, ये सिर्फ काम, ये मतलब फर्स्ट काम है जहाँ से मतलब गन्ने उतरते हैं और जाते हैं, बस इतना ही काम है यहाँ पे। और बाकी सब वहाँ पे जूस वूस निकलता है और अंदर बाकी क्या वर्क होता है और उसके बाद चीनी निकलती है। और अभी तो फिलहाल हमारा काम हो चुका है कम्प्लीट, इससे ज़्यादा हमें सूट नहीं करने दिया जाएगा, तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर और सुबह बाइक के ट्रॉली में मस्त इन्जॉय लेके चले। तो भाई यहाँ से हम लोग आए थे और चीनी मिल में आके पैर देखो कितने हो गए। ये ना ये धूल नहीं है, ये जो है ये राख है, राख जो चीनी मिल की राख होती है वो है। और यहाँ पे देखो सब में गन्ने ही गन्ने हैं। इसके अंदर तो ये कितना टाइम लगेगा आने के बाद? इसमें आने के बाद आधा घंटा लगेगा। इसके बाद आधा घंटा लगेगा। हाँ देखो एक ट्रॉली और आ चुकी है, यहाँ पे जो है वेट हो रहा है, यहाँ पे मतलब ये काटा है इसमें वेट हो रहा है कि कितने क्विंटल अभी गिर जाता मैं जैसे, मतलब वेट चला कि कितने क्विंटल वजन है गन्नों में। तो अभी सोए भाई की भी गाड़ी कुछ देर में ऐसी ही आएगी। तो ये है ट्राली, ये ट्राली ग्रास काटा। फिलहाल तो अभी हम वापस आ गए हैं सोए भाई के ट्रैक्टर पे, और सोए भाई का ट्रैक्टर ये भाई मस्त है, स्वराज। स्वराज है? हाँ स्वराज 744। स्वराज 744 ये कहाँ चल रहा है तू? फोटो नहीं फिलहाल तो वीडियो बननी है। ये रोजी रोटी है तो चढ़वा रहा हूँ इसमें भाई, रोजी रोटी है भाई की तो मैं चढ़ूंगा नहीं इसमें। नहीं चढ़ता पिचकेगा तो नहीं है? नहीं नहीं मजबूत है बस, यहाँ यहाँ पैर रखे बीच में उतर चढ़ गया सोए भाई के ट्रैक्टर पे। और भाई इसके ऊपर चढ़े हुए, ये जो आगे पतला पतला सा होता है इस पर चढ़े हुए, और पैर देखो पैर की हालत क्या हो गई है। तो सोए भाई तुम्हारी ट्रॉली, ट्रॉली के ऊपर चढ़े दोनों 80 क्विंटल और 80 क्विंटल है ये, 80 क्विंटल करना। अरे मजाक समझ रहा, 80 क्विंटल है, 80 क्विंटल भयंकर 80 क्विंटल गन्ना लेके आया हुआ है भाई। और यहाँ से देखो लगभग चीनी मिल का पूरा नज़ारा दिख रहा है। चल ट्रॉली के ऊपर चढ़ते हैं, अभी हम ना ट्रॉली के ऊपर चढ़ते हैं, उसके ऊपर से देखेंगे कि ट्रॉली के ऊपर से चढ़ने के बाद इसके ऊपर आसानी से चढ़ ऊपर का नज़ारा दिखेगा नहीं दिखेगा उस वाली पर उतर नहीं पाएगा, तो वो ऊपर जाता है तो ये आसान है भाई। पहले तू चढ़, मैं गिर गया तो पहले सोए भाई को चढ़ाते हैं इस पर। तो ये देखो ये चल रहा है ट्रॉली के ऊपर, मैन वर्सेस वाइल्ड, खतरों के खिलाड़ी, डर के आगे जीत है। चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया भाई, मेरा पांव नक्का है नीचे, अब ऐसे ही मैं भी चढ़ता हूँ। हाथों जी हाथों जी, चखले भी रे चखले, हाथों जी हाथों जी भैया चढ़ेगा गन्ना ही गन्ना, जहाँ देखोगे गन्ना ही गन्ना, जहाँ तक आपकी नजर आएगी सब जगह गन्ना ही गन्ना। ये देखो पूरा चीनी मिल का व्यू आ रहा है, हर जगह गन्ना ही गन्ना गन्ना ही गन्ना गन्ना ही गन्ना। और ये एक सोएब भाई गन्ना गन्ना यहाँ पे गन्ने तो फ्री में खाने को मिलते होंगे, कितने खा लोगे यार, कितने खा लोगे, एक गन्ना दो गन्ने तीन गन्ने चार गन्ने पांच गन्ने ज़्यादा थोड़े ना खा लोगे। और यहाँ पे तो 80-80 क्विंटल भर के लेके आ रहे हैं ये लौंडे जरा से। और गाइस ये देखो पूरे में मतलब सब में गन्ने गन्ने, शुगर फैक्ट्री भाई, किच्छा की शुगर फैक्ट्री, प्रदूषण बहुत ज़्यादा भाई, प्रदूषण देखो कितना है, रोजगार भी है प्रदूषण भी है। वो जो दिख रहा ना आपको ये झोपड़ी टाइप की बनी हुई, इसमें रात में किसान रुकते हैं। तो ये यार इतना छोटा क्यों बनवाया है, अंदर से काफ़ी बड़ा है। तो फिलहाल गाइस अभी हमने मस्त यहाँ पे ना ऊपर बैठ के मस्त फोटो खिंचाए थे, और वो जो धुआं निकल रहा है ना उसे ले लेके फोटो खिंचाए, बहुत सारे फोटो खिंचा लिए हैं। और ये देखो कितने सारे गन्ने गन्ने, आज तो हम गन्नों में खेल रहे हैं। और सोए भाई नीचे उतर गए, मैं भी आ जाऊँ नीचे, फट जाएगी तू बात उतरी हो भाई, डर तो, अरे मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा, कल थाई मारी है मैंने जिम में, यहाँ कूदी यहाँ कूद गया गलती से, उसमें लगेगा जाके। अरे भैया डर लग रहा है, मैं गिर ना जाऊँ, मैं वीडियो बनाऊँ या कूदूँ? मैं बनाऊँ तेरी उतर, तू पिछवाड़े में ना घुस जाए, यहाँ मत कूदिए नीचे गिर जाएगा। सोए भाई मेरे दोस्त, अरे आगे आगे आगे, लास्ट डेस्टिनेशन उस पर जा। ओ भाई यहाँ, यहाँ पे कुछ दो सब्सक्राइबर, कैसे हो भाई लोगो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, क्या नाम है चैनल का? देखो भाई थोड़ा सस्ता यूट्यूबर जरूर लेकिन सब्सक्राइबर मिल जाते हैं घूमते फिरते, जैसे पीछे वो दो भाई लोग हैं। तो यहाँ पे अभी ना धीरे धीरे ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा हुआ कि हमने देख लिया कि भाई ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं, वरना हमारे सोए भाई का नंबर कट जाता, अब भाई हमारा सोए भाई ट्रैक्टर आगे बढ़ाएगा है। बड़ा भाई बड़ा, चखले बिरे चखले, ये भी ट्रैक्टर बढ़ गया, अभी ये फाइनली लास्ट ट्रैक्टर रह गया हमारे सोएब भाई का, अब ये भी आगे बढ़ा देंगे। अच्छा हुआ कि हम वापस आ गए, वरना सोएब भाई के एक ट्रैक्टर का नंबर कटता। तो यहाँ पे एक ट्रैक्टर के नंबर कटने का मतलब पता है क्या है,
कि आपका एक घंटा गया काम से, एक घंटे आप लेट जाओगे, बहुत टाइम लग जाता, बहुत टाइम बेचारा सुबह का आया हुआ है, इतना टाइम लग गया। करतब करतब दिखाने वाले सोए भाई, देखते हैं। ओ भाई उठा दिया उठा दिया। चलो फिलहाल ये भी बढ़ गया, थोड़ा तो आगे बढ़ा, जब से मैं आया हूँ अभी तक एक भी नंबर आगे नहीं बढ़ा था, अब एक नंबर आगे बढ़ा है। चले अपनी स्कूटी आगे खड़ी है, अब हमें लेके आना थोड़ा सा डीजल, इसकी गाड़ी में डालना है और उसके बाद मैं जाऊँगा मस्त घर पे, और आज का ब्लॉग एंड कर देंगे भाई चीनी मिल की वादियों में, घूमते घूमते पूरा ब्लॉग खत्म हो जाएगा।